ये डिस्ट्रिक्ट जो है, जो पुलिस है एसएसपी साहब की तरफ से एक टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ वॉलीबॉल का, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। खासकर जो डीएसपी साहब सुरनकोट हैं, एसएचओ साहब हैं और कमांडेंट साहब हैं, जिन्होंने ये टाइम निकाला है और हमें एक यूथ को एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो ऐसे मैसेज यूथ में जाते हैं और यूथ का एक जो अपना टाइम इस साइड में वेस्ट होता है, एक एनर्जी इस टाइम बूस्ट होती है और उसमें हमारे लिए बेहतर होता है। तो क्योंकि आज देखो आपने माहौल इतना ख़राब है, ड्रग्स में लोग इन्वॉल्व हैं और दूसरी बीमारियों में इन्वॉल्व हैं। मेरी तो गुजारिश है इनसे कि जितने भी यूथ है और ख़ासकर हमारे जितने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे प्रोग्राम काफ़ी जगह करवाएँ ये, तो हम भी इनके साथ खड़े हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पंच का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट जो हैं वो हमारी तहसील में करवाए। ये बड़े ज़रूरी इवेंट हैं। एक तरफ तो हमारे बच्चे ड्रग की तरफ भटक रहे हैं और दूसरा यहाँ जितने भी ग्राउंड हैं उनकी बड़ी कमी है, तो बच्चे खेलने का उन्हें मौका नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को देखे और हमारे लिए यहाँ अच्छे अच्छे ग्राउंड बनाए जाएँ। हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, उनमें खेलने की बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ एसएसपी पुंछ का कि जिन्होंने यहाँ एक अच्छा इवेंट करवाया है और यहाँ ग्राउंड की मरम्मत के लिए कुछ पैसे एडमिनिस्ट्रेशन हमें अरेंज करे जिससे यहाँ अच्छा ग्राउंड बन सके। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाए, सोलो कोर्ट में आ रहा है, यही मेरा प्लान है, इसी साल कराएंगे। तो सर आप बात कर रहे थे, हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है, अगर जनाब की तरफ से परमिशन होगी वहाँ पर एक सीट बन जाए सर ग्राउंड में, खाली टूर्नामेंट के लिए सर आप अलाउ करेंगे तो बच्चे खेलेंगे। तो हमारे उनसे ये रिक्वेस्ट है सर कि वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट इस वक्त हमारे सूरत में बहुत बड़ा टैलेंट है सर। मिले थोड़ा आगे Da haben wir noch ein bisschen.